The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन. दोस्तों आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर. आज का टॉपिक जो है वो है कॉर्टिसोल. कॉर्टिसोल नामक एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो आपके एड्रीनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है. ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के हर एक फंक्शन के लिए, आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है. और किसी प्रकार का स्ट्रेस हो, इन्फेक्शन हो, कोई एक्यूट चोट लगे, इंजरी हो, कोई बुखार हो, कोई मेंटल स्ट्रेस हो, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, तो कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है. तो सवाल यह है कि कॉर्टिसोल अगर बहुत हाई रहता है, बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हर्ट कर सकता है, फाइब्रोसिस कर, इन्फ्लामेशन कर सकता है. इसीलिए जब यह बहुत समय तक रहेगा तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, वज़न बढ़ सकता है, शुगर हो सकता है, स्लीप प्रॉब्लम आ सकती है, मूड ख़राब हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, एनर्जी ख़राब हो सकती है, बहुत सारी खतरनाक बीमारी. इसीलिए कॉर्टिसोल को कम करना आपके उद्देश्यों में सबसे पहले होना चाहिए कि मला स्ट्रेस नको पाइजे, मतलब मेरे को स्ट्रेस नहीं चाहिए. तो स्ट्रेस इज़ वन कारण, मगर कॉर्टिसोल के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड. एक तो है क्रोनिक डिजीजेस, कॉम्प्लिकेशंस अपने आप में कॉर्टिसोल बढ़ा सकती हैं. यानी कि अगर किसी प्रकार का आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑस्टियोपोरोसिस है तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा. और वेट गेन, अगर वज़न बढ़ रहा है तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा. बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल होने से आपका ये वेट गेन होगा, टायर्डनेस होगा, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ होगा, यानी कॉर्टिसोल बढ़ने का इफेक्ट ये होगा. प्लस इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं. कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, इट्स लाइक अ स्टीरॉयड, राइट? तो वो स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स भी आपके आएंगे. और रेयरली ऐसा होता है किसी का कॉर्टिसोल अगर बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, अनएक्सपेक्टेडली हाई, तो उसको कोई ट्यूमर हो सकता है पिट्यूटरी में या एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर. सो इसको ठीक करने के लिए आप घर में कुछ कर सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, ऐसी चीज़ें बताएंगे जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक हैं लेकिन ज़रूरी हैं. सो समझें इसको. सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है आपकी नींद. स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. टाइमिंग, लेंथ ऑफ स्लीप एंड क्वालिटी ऑफ स्लीप, ये तीनों बहुत ज़रूरी है. ये तीनों अपने आप में कॉर्टिसोल को इफेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टडीज़ में भी ये देखा गया कि जो शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, जिनके अलग अलग शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट है, ये है, तो नाइट शिफ्ट वाले लोगों की या फिर शिफ्ट चेंज होते रहने वाले लोगों का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है. सो ये रोटेटिंग शिफ्ट वाले जो हैं वो प्रॉब्लम करते हैं. तो टेक्निकली रोटेटिंग शिफ्ट इज़ बैड फॉर यू, राइट? और आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्लीप होनी बहुत ज़रूरी है. बट क्या करें, आजकल के लाइफस्टाइल को तो नहीं बदल सकते, मगर यू कैन ट्राई कि इंसोम्निया ना हो. इंसोम्निया मतलब नींद ना आ रही है तो और ज़्यादा दिक्कत है. फिर एक्सरसाइज करिए. अगर आप स्लीप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, एक नंबर एक एक्सरसाइज, सेकंड नो कैफीन आफ्टर 6 PM ऑफ द नाइट, ऑफ द इवनिंग, लाइट एक्सपोजर मिनिमम, और अंधेरे में सोने की कोशिश करिए. एक घंटा पहले कतई अपने फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे आप, बिल्कुल फ़ोन फेंक दीजिए. फेंक मतलब तोड़िएगा मत, मगर साइड में रख दिया, दूर रख दीजिए. और भैया बीच बीच में अगर मान लीजिए आपको 4-5 घंटे के ऊपर नींद नहीं मिलती है, तो फिर से एक और नैप जरूर ले लीजिए, एक और दोपहर में सोने में कोई हर्ज नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. और ओवरऑल वैसे स्लीप इज़ द नंबर वन की हियर. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सरसाइज, बट नॉट टू मच ऑफ एन एक्सरसाइज. बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज द फिजिकल स्ट्रेस ऑन योर बॉडी. बहुत कम एक्सरसाइज करेंगे तब भी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, या नहीं करेंगे तो भी करेंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलर बेसिस पे रेगुलर एक्सरसाइज करें, और इट्स वेरी गुड. सो एक्सरसाइज इज़ वेरी गुड. आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसा हम पहले बताते रहे हैं, 2.5 घंटा पूरे हफ्ते में मॉडरेट फिजिकल एक्सरसाइज, ओके? और दूसरा है, यू हैव टू रिकग्नाइज योर थाट्स. आप अपने स्ट्रेसफुल थिंकिंग को, आपके नेगेटिव थाट्स को हटा दीजिए. नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में चल रहे हैं, स्ट्रेसफुल, कोरोना का क्या होगा, मेरे को क्या हो गया तो क्या होगा, फैमिली को हो गया तो, बाबूजी को हो गया तो क्या होगा, बच्चे को हो गया तो क्या होगा, किसी ना किसी चीज़ को स्ट्रेस, ये नहीं मिला तो क्या होगा, वो टेंडर नहीं मिला तो क्या होगा, वो ऑर्डर नहीं आया तो क्या होगा, दुकान नहीं चली तो क्या होगा,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, और रिकग्नाइज़ करें कि कौन सी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है। अननेसेसरी न्यूज़, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये मर गया, वो मर गया, छोड़ दो। टेक योर टाइम, रिकग्नाइज स्ट्रेसफुल थाट्स एंड अपने स्ट्रेसफुल थाट्स को साइडलाइन कर दीजिए। पॉजिटिव प्रोग्राम चाहिए, पॉजिटिव म्यूजिक, पॉजिटिव चीज़ें जो हम बच्चों को नहीं दिखाएंगे, झगड़े झुगड़े वो नहीं देखना। अपने आप को छोटा बच्चा समझिए और बच्चे को गालियाँ नहीं सुनाते, सैड सॉन्ग नहीं सुनाते, उल्टे सीधे वीडियोज़ नहीं दिखो, तो आप भी मत देखिए। दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू कंट्रोल योर कॉर्टिसोल। यू हैव टू, फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिलैक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग नंबर वन है उसमें। डीप ब्रीदिंग अपने आप में कॉर्टिसोल कम करती है 50% तक। केवल लंबी सांस लेनी है, केवल लंबी सांस लेनी है, बहुत ही लंबी सांस लेनी है, बहुत ज़्यादा लंबी सांस लेनी है, उससे कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। दिन में आप 10 मिनट लगा लीजिए, लंबी लंबी सांस ले लीजिए, 30-50% तक कॉर्टिसोल कतई सिर्फ सांस लेने से कतई ज़्यादा नहीं कर रहा आज है नहीं। सो रिलैक्सेशन टेक्निक नंबर वन डीप ब्रीदिंग, सेकेंड इज योगा, थर्ड इज मेडिटेशन। प्लीज डू ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज है भैया फन। घर में करना है आपको, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ हंसी मजाक और फन और खेल कूद, बस खुशी में रहने से, थोड़ा हंसने खिलखिलाने से आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, और इसमें भी स्टडी हुई है और इसमें देखा गया है जो लोग ऐसे ज्यादा हंसते थे उनका कॉर्टिसोल बढ़ा ही नहीं। जो लोग हंसते खुलते, जिनके लाइफ में कोई खुशी नहीं आया, ये मुंह लटका के फिरते रहते हैं, कॉर्टिसोल लेवल और बढ़ जाता है। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ एंड डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी। कोई हॉबी ले लो, आउटडोर जाना है, इनडोर जाना है, बच्चों के साथ खेलना है, नो मैटर, व्हाट एवर यू लाइक, डू इट। ठीक है, थर्ड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज, एक रिलेशनशिप में प्रेशर नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में प्रेशर होगा तो आपके कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके आपके लाइफ में प्रॉब्लम आई जाएगी। सो रिलेशनशिप्स को अपने थोड़ा सा करेक्ट करिए। अगर रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार का आपको स्ट्रेस है तो उसको, स्ट्रेस को थोड़ा सा आप मैनेज करें। रिलेशनशिप स्ट्रेस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप स्ट्रेस को आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो सॉरी फॉर दैट, बैटरी ख़त्म हो रही थी तो लगा दी। सो रिलेशनशिप में अपने स्ट्रेस नहीं आने दें, कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, वरना आपके बाल, आपके हेयर लॉस होता है, आपका स्किन खराब होता है, पिंपल आते हैं, पता नहीं क्या क्या आते हैं, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ हाई कॉर्टिसोल। रिलेशनशिप में अपने केवल काउंसलिंग से, प्रॉपर कम्युनिकेशन से वो कम हो सकता है। तो भाई ऐसा है, दिल में जो है खुल के बात कर लो, डरो मत, क्या होगा लास्ट, अच्छा झगड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना, खुल के बात करो, पर झगड़ा बंद करो, ख़त्म करो। फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेट ले लो भाई, अपने घर में अपना पेट ले लो। एक पेट होना, एनिमल के साथ कंपेनियनशिप होना, अगेन एक रिलेशन, एक कॉर्टिसोल लेवल कम कर देता है। इट इज़ अ स्टडी, किसी कई लोगों में हुआ है, थेरापेटिक डॉग रखा जाता है, किसी किसी को बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है, अकेलापन है, उदासी है, तो डॉग ले लो आप, एक पपी ले लो। तो बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, केयर के लिए, सुरक्षा के लिए, एक अच्छा हाउस होल्ड डॉग, तो वो बहुत अच्छा चीज़ है कॉर्टिसोल लेवल कम करने के लिए। और अपने आप में जो भी आपको, यू नो, स्पिरिचुअलिटी है आपके, आपके रिलीजन है, उसके ऊपर आप थोड़ा टाइम बिताओ, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आप अगर, आपको रिलीजियस फेथ है तो पाठ करो, कीर्तन करो, वट एवर यू डू, राइट, भजन करो, वो आपको हेल्प करेगा, नमाज पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा। इसमें यू कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअलिटी, विथ योर, यू नो, रिलीजन, विथ समथिंग, विथ योर प्रेयर्स, ट्राई टू कनेक्ट दैट। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज भैया, अच्छा खाना खाओ। खाना कतई बहुत ज़रूरी है, खाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। पानी कम हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन में आपको वैसे ही कुछ नहीं समझेगा। प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स ले सकते हो, फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं इसके कम करते हैं, डार्क चॉकलेट बहुत अच्छी है इसके लिए, डार्क चॉकलेट स्ट्रेस कम करती हैं, ग्रीन टी और ब्लैक टी स्ट्रेस कम करती हैं, लेकिन रात को नहीं, सुबह दोपहर में, और अच्छा अमाउंट ऑफ पानी, ये हो गया। और फिर फिश ऑयल्स ले सकते हो आप, फिश ऑयल्स हेल्प करते हैं इसमें, अश्वगंधा हेल्प करता है इसमें, तो अश्वगंधा बहुत अच्छा हेल्प करता है, 300 से 500 मिलीग्राम दिन में दो बार, या सिर्फ रात को ले सकते हो, बहुत अच्छा हेल्प करता है। और कॉर्टिसोल में फिश ऑयल्स ये ले सकते हो, ये सारी चीज़ें करोगे
तो आपका स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, कॉर्टिसोल भी कम हो जाएगा, आगे आने वाली बीमारियां भी कम हो जाएगी। यही चीज़ डॉक्टरों को करनी चाहिए। हमें यह नहीं है कि आज आए हो, चोट लगी है, टाके मार के भेज दें, या जो भी बुखार है तो बुखार की गोली दे के, एंटीबायोटिक दे के भेज दें। नहीं, वी हैव टू ट्रीट यू टू बी हेल्दी इन योर लाइफ। आगे आने वाली बीमारी को भी ठीक करना है, तो इसीलिए इस हिसाब को आगे शेयर करिए, डॉक्टरों को भी शेयर करिए, पेशेंट्स को भी शेयर करिए, कुछ नहीं तो खुद ही कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे आप लोग। सो प्लीज़ डू दैट। दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी फॉर सब एवर सच वीडियोज़। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दीज वीडियोज़, मेक दिस एफर्ट्स वर्थ वाइल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।